ये है डे 5 और नरेश सूर्य का इवेंट चालू है. लेट मी शो यू. ये मेंस फिजिक का चालू है कॉम्पिटिशन. ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज. मैं हूं निपुण अग्रवाल. आप में से काफ़ी लोगों से शायद मैं नरेश सूर्य में दूसरी चैंपियनशिप में मिलता रहता हूं, खासकर इसलिए क्योंकि इस बार तो इतने कॉम्पिटिशन्स हैं. अभी नरेश सूर्य कॉन्क्लूड हुआ है, फिर दिल्ली में 2-3 चैंपियनशिप्स हैं, उसके बाद मुंबई में IHFF और इंडिया का पहला प्रो शो है जो कि काफ़ी मज़ा आएगा. मैं वहाँ पर रहूँगा और आप अगर वहाँ आने वाले तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर मिलिए. इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सम सेल्फीज, गुड टू हैव सम मोमेंट्स टुगेदर, टॉक अबाउट द चैम्पियनशिप एंड द इंडस्ट्री. उसके बाद दिल्ली में इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा इवेंट बिग फिट क्लासिक होने वाला है, जो कि बहुत ही सुपर डुपर VIP सुपर स्पेशल इवेंट है, जिसमें 1 करोड़ रुपये का कैश प्राइज मिलने वाला है और सिर्फ स्टेज डिज़ाइन और प्रोडक्शन पर ही आई थिंक 30-40-50 लाख रुपये वहाँ पर भी खर्च हो रहे हैं. बहरहाल चलते हैं नरेश सूर्य क्लासिक पे. तो आप देख सकते हैं ये जिस कैटेगरी को आप देख रहे हैं, ये सबसे पहली कैटेगरी है. इट इज़ कॉल्ड मेंस फिजिक जूनियर. मेंस फिजिक जूनियर मतलब जो कम एज के, आई थिंक मोस्टली लोग 22 रखते हैं एज, लेकिन कुछ लोग 24 भी रखते हैं. 22 साल से नीचे के जो बॉडी बिल्डर्स हैं फिजिक कैटेगरी के, ये उनकी कैटेगरी है. एक्चुअली ये बढ़ते चलन में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, क्योंकि ये स्टेपिंग स्टोन है. जो यहाँ से आगे निखर के निकलते हैं वही आगे 24, 25, 26 तक की उम्र में अच्छे मेंस फिजिक बॉडी बिल्डर्स या मेंस फिजिक एथलीट्स बन जाते हैं. यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, दीज आर ऑल द कंटेस्टेंट्स. आई थिंक इसमें थोड़ी सी तो छटाई हो चुकी थी जब तक मैं पहुँचा था, बट यहाँ पे इनकी फाइनल पोजिंग, सारे क्वार्टर टर्न्स वगैरह कराए गए. इस वीडियो में खास तौर पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या वो खास मोमेंट्स हैं जिनके लिए मुझे तो इंतज़ार रहता है हर चैम्पियनशिप में, और शायद आपको भी रहता होगा. देखिए, इन सब ने बहुत मेहनत की है, इसमें कोई दोराय नहीं, और अपनी मेहनत के चलते ही अपने पैसे खर्च करके, अपना समय लगा के, अपने दर्द को सहन करके, चाहे सपोर्ट हो चाहे ना हो, ये लोग आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है. इन्होंने स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंस पूरी की है और अब होंगे रिजल्ट्स अनाउंस. ऑलराइट, तो ये जो खास तौर पे जो ये मोमेंट्स हैं ना, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए गेस्ट को ऊपर बुला लिया गया है, जो मेडल्स ट्रॉफीज़ देंगे, और अब सिर्फ इंतज़ार है अनाउंसमेंट का. ये देखिए, एक एथलीट हाथ मल रहा है, दूसरा अभी भी पोजिंग फ्लेक्सिंग कर रहा है. ऑल दीज आर साइंस ऑफ नर्वसनेस. जो भी फाइनल कॉन्क्लूजन होगा उसका जो भी वो लुक एट दैट काफ, कौन है भाई जिनके काफ ऐसे मैसिव हैं. एनीवेज, लेट्स गो बैक. ठीक है, तो ये बहुत प्यारे मोमेंट होते हैं. कोई अपनी टैनिंग ठीक कर रहा होता है, कोई एक दूसरे को देख रहा होता है, कोई बस इंतज़ार कर रहा होता है. आई फील दीज मोमेंट्स आर द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट्स, जिसमें कोई भी बॉडी बिल्डर या एथलीट सिर्फ खड़े होकर इंतज़ार करता है कि क्या उसकी किस्मत चमकेगी या नहीं चमकेगी, क्या वो फर्स्ट आएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आएगा. एंड आफ्टर ऑल यू नो नरेश सूर्य इज़ अ वेरी कोवेटेड टाइटल. जो आप लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं ब्लैक शर्ट में, वो हैं जावेद और ये हैं डॉक्टर जिग्नेश. जावेद इज़ ऑन द राइट साइड एंड डॉक्टर जिग्नेश इज़ ऑन द लेफ्ट साइड. ये की लोग हैं जो नरेश सूर्या को ऑर्गेनाइज कराने में काफ़ी योगदान देते हैं. एंड हेयर इज़ रैंक नंबर 5. सर स्लो मोशन में इसलिए है सो धीरे धीरे आराम से मैं आपको बता सकूं. फिर 4-3 हुए और इन दोनों में से 2 और 1 होंगे, तो दे बोथ आर वेटिंग. आप देख सकते हैं, शायद थोड़ा थोड़ा महसूस भी कर सकते होंगे. ये हुआ अनाउंसमेंट. ये है रितेश कुंभर, जो सिर्फ 22 साल के हैं, 21 साल के हैं, एब्सोल्युटली फिनोमिनल फिजिक और महाराष्ट्र को ही बिलोंग करते हैं. इनको लगा कि ये सेकंड है, बट ऐसा तो नहीं था. इन्होंने बोला, अरे 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 आप पीछे जाओ, आप फर्स्ट हैं. जो सेकंड आया वो खुद ही थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा है, बट आई थिंक ही इज़ जस्ट हैप्पी कि ये सेकेंड तो आया है. आई थिंक ही न्यू कि मैं सेकेंड आऊँगा. काफ़ी चैम्पियनशिप्स में ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि जब एथलीट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका माइंडसेट सिर्फ वही जानते हैं. इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, है ना. और
यहाँ पे रितेश को फाइनली ही नोज दैट आई एम द विनर और ये वेट कर रहे हैं कि इनका ट्रंक नंबर बुलाया जाए और ये आगे बढ़ के अपना मेडल स्वीकार करें। यही वो मोमेंट्स हैं जब एक बॉडी बिल्डर को अपनी मेहनत का फल मिलता है और वो रियलाइज करता है कि मैं कुछ तो हूँ आफ्टर ऑल। वो जो सारी लड़ाइयाँ मैंने लड़ी हैं, सारे लोगों के ताने सुने हैं, गालियाँ सुनी हैं, जो मुझे समझ सकते थे और जो मुझे नहीं समझ सकते थे, सबकी बातें सुनी हैं, अपना जी जान लगाया है, पैसा लगाया है, इतने सारे इंजेक्शन्स ठुकने से जो पेन होता है, सूजन आती है, वो सब सहन किया है, महंगे सप्लीमेंट लिए हैं और दिन रात लगाई है, यही इसका फल है। इसी मोमेंट पर रियलाइज़ होता है एक बॉडी बिल्डर को। देखिए रितेश इंतज़ार कर रहे हैं और ये हुआ फाइनल अनाउंसमेंट और रितेश को आ गए मज़े।